तो हकीकत में ये बोल रहे थे कि भाई अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता कि हम वापसी आवे कि नहीं आवे। उन्हें उसको पीट दिया कि भाई ये रामपाल का चेला थे आ गया, एक मारो इसको मारो। चैनल बदलते बदलते गुरुजी दिखे तो मैंने एकदम से गाली दी, मगर ये रामपाल मारे करने की था क्या, मगर राकेश मगा भाई टीवी फोड़ना पड़ा। क्या मैंने भाई मगा सुना है भाई डिगल की बाजी है, वैसे डिगल वाले से पूछा तो कोई कह रहा है बराने की बागी थी, कोई कह रहा है भाई करोथा की बागी थी। क्या नाम है सर? जय किशन दास अम्बे जी। कहाँ से हो? गांव बराना, जिला झज्जर, हरियाणा। संत रामपाल जी के विषय में क्या कहना चाहोगे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज के विषय में मैं क्या कहना चाहूँ, मैं एक बहुत बुरा इंसान था जो मैं आर्य समाजियों के बहकावे में आकर गुरु जी को बहुत अच्छा बुरा बोलता था, और जो 2013 में जो कांड हुआ था बरवाड़ा करोथा कांड जो हुआ था 2013 में, मैं जो है अपने गांव से हम पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और ढोल बजा बजा के गांव इकट्ठा किया था कि भाई चलो रामपाल का लठ मार कावांगे भाई वो जो है। और मैं भी भगत जी जो समाज से सुनता था, आर्य समाजियों से पर्चे भी बांटते थे, मुझे सुनता था भी वहाँ पे बहुत गलत काम होता है, वहाँ पे मतलब जो है बहन बेटियों को भी गलत तरीके से यूज किया जाता है। तो मैं सोचा सर जी मगा भैया तो एक बुराई है हमारे एरिया में, इसको मिटाना चाहिए। देखो भगत जी, मैं अपनी ओर से ठीक था कि भैया यहाँ पे इतना गलत काम जो हो रहा है तो समाज का साथ देना ज़रूरी है और ये बुराई यहाँ से ख़त्म करनी है। तो भगत जी हम वहाँ से चले, गांव से पूरा गांव ढोल बजाता हुआ चला भाई, और हम सबसे आगे थे और डिगल में से ये भी बोलते जा रहे थे जब रोड के ऊपर से जा रहे थे, औरतों को औरतें निकल निकल के आ रही थी देखने के लिए क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो हकीकत में ये बोल रहे थे कि भाई अपने काम न संभाल लियो, हमारा नहीं पता कि हम वापसी आवे कि नहीं आवे, मतलब मरने के लिए तैयार थे, बिल्कुल जान देने के लिए तैयार कि भाई ये यहाँ से रामपाल को हटाना है, चाहे जान जाओ चाहे कुछ भी हो। तो भगत जी डिगल में जा लिए, जब कुछ डिगल वासी भी हमारे साथ हो लिए जत्थे में कि भाई चलो भाई जब बराना ही पूरा उठ के आ गया तुम पीछे क्यों रहो, तो उधर से गोछी गांव के उठ के आ गए। तो भगत जी हम जैसे ही टूल टैक्स पार किया तो मिलिट्री इतनी ज़्यादा खड़ी थी कि भाई हम वहाँ पर जा नहीं पाए, तो खेतों में चले गए। खेतों में पूरा दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, हालांकि हमने किसी का हाथ नहीं लगाने पाए, किसी भगत का हमने कुछ किया नहीं, दूर से ही बोल रहे थे कि भाई नाश कर देंगे ऐसे कर देंगे, और भगतों को देख भी रहे थे हम दूर से कि भाई हाथ जोड़ते आ रहे हैं और भाई बसों में बैठ रहे हैं। फिर भी सोचे यार भाई ठीक है, जो कुछ हो गया हो गया, अपना शाम को वापसी आने लगे। तो हमारे गांव का ही हमारे पड़ोस का ये भगत था तो वो डिगल बस स्टैंड पे मिल गया, मैं थोड़ा पीछे रह रहा था, जो हमारे साथ थे बंदे हमारे बिल्कुल रिलेटिव जो साथ में गए हुए थे, उन्होंने उसको पीट दिया कि भैया रामपाल का चेला थे आ गया, एक मारो इसको मारो, तो पीट दिया भगत जी। हालांकि वो बहुत अच्छा लड़का नेचर का, फिर मेरा नू दुख सा भी आम का यार, लड़का तो सीधा था, गलत पीट दिया, वहाँ कुछ भी था यार, अब था अपने गांव का ही। तो भगत जी फिर मैंने 2014 में गोरड़ गांव में पुस्तक सेवा हो रही थी, 2013 की बात है शायद, 2013 गोरड़ गांव में पुस्तक सेवा हो रही थी, तो ज्ञान गंगा पुस्तक लेके घूम रहे थे भगत जी। मैंने सोचा भाई ले ले 10 रुपये की तो है, कितनी मोटी किताब देने लग रही। मैंने भगत जी वहाँ आने के उसका एक पेज पढ़ा, मैंने बहुत अच्छी लगी, मैं कहा यार ज्ञान तो एक नंबर का है। मैंने उसका पेज मोड़ दिया भगत जी, पेज मोड़ कर रख दिया, मैं उसको नहीं पढ़ने पाया बिल्कुल भी नहीं, उठाने का टाइम ही नहीं लगा। फिर भगत जी मैंने नई डिश लगवाई थी फ्री वाली, और टीवी भी तभी ले कर आया था, तब तक नहीं था, तो मैंने चैनल बदल रहा था, खाना खाते खाते चैनल बदलते बदलते, मेरे मामा का लड़का भी मेरे साथ बैठा हुआ था, संदीप नाम उसका, चैनल बदलते बदलते गुरुजी दिख गए तो मैंने एकदम से गाली दी, मगर ये रामपाल मारे करने की था क्या, मगर राकेश मगा भाई टीवी फोड़ना पड़ेगा।
मगा के यार डिश पड़वानी पड़ेगी, दूसरी लगवानी पड़ेगी, मगा गलत नंबर मिल गया भाई। तो भगत जी मेरे मन में परमात्मा ने प्रेरणा करी अंदर से कि भाई सुनते ले दुनिया ने क्यों कर बका रहा है भाई, कोई तो बात होगी इतनी दुनिया ने बका रहा है, तू सुनकर तो देख ले। फिर भगत जी उस दिन वो 7:40 पे आता था जब सत्संग 8:40 तक, तो मैं लगभग 8:30 बजे देखने लगा था। तो मैंने उस दिन 10 मिनट का देखा भगत जी, गीता पढ़ा रहे थे गुरु जी के भाई 7वें अध्याय का 12 से 15 श्लोक, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की भक्ति करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ गवार लोग होते हैं, और मन ने 9 साल हनुमान का बरती रहते हो लिए भगत जी, और कावड़ भी लिया है मैं, 3 कावड़ भी लेकर डाक कावड़। तो मेरे भगत जी एकदम अचंबा हुआ, मका यार या के बात, व्रत करना भी मना, मका गीता में लिख रखा। फिर गुरु जी ने साथ ही ये बोल दिया कि भी सारा समाज शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, तुम्हें ब्राह्मणों का आज तक तुम्हें किसी ने गीता दिखाई नहीं रही है, उसका सहारा ले लेकर तुम्हें गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। भाई मैं नहीं कहता, कदे नहीं मानो रामपाल का वह है, तुमने तुम खुद उठा के देखो, पढ़ा लिखा समाज है, और ये दास बताओगा तुम खोल के देखो और अपने घर पर गीता लिया और मिलाओ। तो मेरे भगत जी नु थोड़ी ही चसक ही बनी, मका यार ज्ञान तो मका। फिर टाइम देखा मैंने, मैं आज किस टाइम पाया है चला गया, जब मैंने सोचा 8 बजे आया होगा भाई। तो भगत जी मैं अगले दिन फिर उसी टाइम पे खाना हुआ मैंने भगत जी, फिर अगले दिन 8:15 बजे ही चला। फिर तीसरे दिन और सुनने लगा, मेरी माँ बोली रामपाल बनेगा के, मगा माँ ऐसा है बुरा इंसान भी कुछ ना कुछ सीख दे जा है। हालांकि मैंने अपने आप को बुरा तब तक नहीं माना था, मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा था। तो ये समझा भाई अच्छे इंसान के गुण हो, बुरे से भी कुछ ना कुछ सीख ले तो हमें हो सकता है इससे भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो भगत जी मैंने एक हफ्ता सत्संग सुना गुरु जी का, सत्संग सुना मैंने, प्रमाण देखे, गीता देखी, परमात्मा ने चारों वेद सब कुछ उठा उठा के दिखा दिया मैंने भगत जी। हाँ मैंने भगत जी माथा टेक दिया चरणा में, मगा गुरु जी आज तू मेरा भगवान और मैं तेरा बालक, धरती इधर से उधर हो जाएगी, मैं अब डगमग नहीं हूँगा चाहे कुछ भी हो। तो भगत जी मैंने 10 महीने तक सत्संग सुना गुरु जी का, 10 महीने के बाद चषक बन गई, मैंने अरदास लगाई आश्रम में परमात्मा निकालने का टाइम दो। उसी दौरान मेरे को गुरु जी ने एक प्राइवेट नौकरी भी दिलवा दी थी, और आज सरकारी शायद कम पड़ जाएगी, उसके बराबर परमात्मा ने उसी नौकरी पर लगा हुआ तब से। तो भगत जी मालिक चीज़ बताइए, आप आर समाजी थे, कट्टर आर समाजी थे, आपने करौथा आश्रम पे आक्रमण करने भी गए थे आप, फिर ऐसा क्या आपको बहकाया गया था आर समाज के द्वारा, क्या फैला, क्योंकि आज भी लोग भ्रमित हैं, तो किन बातों को लेके भ्रमित हैं संत रामपाल जी को लेके? भगत जी देखो हमारे एरिया में एक बात चली हुई है कि भाई वहाँ पे जो है भैंस ने प्रसाद खाया और भैंस आश्रम में भागी, कि कोई लेडीज आश्रम में गई हुई थी तो उधर उसने वो प्रसाद खुद तो खाया नहीं, भैंस को डाल दिया, भैंस भागी। तो भगत जी मैंने इस तय तक भी गया, मैंने भाई मका सुना है भाई डिगल की बाजी है भैंस, डिगल वाले से पूछा तो कोई कह रहा है बराने की बागी थी, कोई कह रहा है भाई करोथा की बागी थी। तो मका भाई वो ऐसा इंसान तो मशहूर हो जाता है भाई जिसकी बाजी है वो सभी बोलते हैं इसकी बागी, लेकिन वो अपना आदमी आज तक ऐसा कोई नहीं मिला कि भाई उसकी भैंस बागी है। ठीक है, मैंने तब से विचार लगाया, मैंने भाई मका भाई ठीक है ये समाज दुनिया ही बहकाए हुए में हम गलत आए हुए थे, आर्य समाजियों ने कहा था ऐसा हुआ है, वहाँ तो जेवर मिले हैं औरतों के हैं, अखबारों में भी देखा था कि भाई वहाँ पर तो इतनी बोरी जो है मंगलसूत्र मिले औरतों के हैं, और ये मिला और ये वो मिला, मतलब बहुत अच्छे से अच्छा इंसान अगर उस बात को सुन लेना तो वो भी उनके बहकावे में आया हुआ ही था। लेकिन भगत जी मैंने जब तय तक गया, ज्ञान सुना भगवान का, जब परमात्मा ने दया की और मेरे को एक दिन जब भगवान ने मेरे को नाम लेने के बुलाया के लिए बुलाया था, तो उस दिन दोपहर में मैं सो रहा था, मेरे को दर्शन दिए परमात्मा ने और बोला बेटा कल आ जा नाम लेने के लिए। तो मेरी एकदम से आँख खुल गई, मगा यार कल तो दिल्ली का चक्कर है, गाड़ी लेके जानी है सुबह सुबह, और मगा दोपहर को 2-3 बजे आ जाएगा और बरवाड़ा दूर है यहाँ से कैसे जाया जाएगा। तो परमात्मा ने वो भी मेरी समस्या हल की, शाम को 5 बजे मेरे पास फ़ोन आ गया था कंपनी से कि भाई कल गाड़ी नहीं लेके जानी है। तो परमात्मा ने दया की और मैं नाम लेने के लिए गुरुजी को मैंने बताया, गुरुजी मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, गुरुजी ने बोला कोई बता नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ये सारा समाज ही ऐसा है, नाम ले और परमात्मा की दया से मौज कर, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।